हेलो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एक SEO टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक PHP की स्क्रिप्ट बनाई है, जिसका यूज़ करके आप अपने लिए इजीली 10 मिनट के अंदर अपनी SEO टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको इसे आपके लोकल होस्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल करके बताऊँगा कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप इसे अपनी वेब होस्टिंग में इंस्टॉल करना चाहते हो तब भी इसके लिए प्रोसीजर सेम होगा। मैं एक दूसरी वीडियो का लिंक दे दूंगा कि मैंने जिस तरह से मैंने उस वेबसाइट को वेब होस्टिंग में इंस्टॉल किया था, उसी तरह से आपको इस स्क्रिप्ट को भी वेब होस्टिंग में इंस्टॉल करना है। तो अगर आप इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करें तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में सेम फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। आप किसी भी नाम से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब इस फोल्डर के अंदर आपको स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है जो आपने डाउनलोड की है। अब आपको इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे जिप फाइल की जरूरत नहीं, आप इस जिप फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि आपके पास यहाँ पर एक डाटाबेस फाइल नाम से फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर एक SQL की फाइल है, आपको इसे phpMyAdmin में इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा लोकल होस्ट ब्राउज़र में जाके, उसके बाद phpMyAdmin लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब आपका phpMyAdmin ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और एक न्यू डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। आप किसी भी नाम से डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम टूल 2021 देता हूँ, क्रिएट करता हूँ। उसके बाद आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर आपका XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs खोल लेना है। और उसके बाद जो आपने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था, जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर टूल 2021 नाम से क्रिएट किया था, तो मुझे इसे ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको यहाँ पे डाटाबेस फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको SQL की फाइल को सिलेक्ट करना है और गो के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपकी जो SQL की फाइल है वो आपके यहाँ डाटाबेस में इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपकी जो यह SQL की फाइल है यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी और आपके पास यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। तो अब आपकी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे ऊपर जो आपने यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट किया जिस नाम से टूल 2021 नाम से आपने यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट किया। अब आपको उस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पर आपने स्क्रिप्ट को पेस्ट किया है। आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर एक config.php फाइल आपको मिलेगी, आपको इसे राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है किसी भी टेक्स्ट एडिटर में। जैसे मैं इसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर रहा हूँ, आप इसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि डाटाबेस का नाम मेरे पास यहाँ पर आ रहा है यूट्यूब। तो अब आपको यहाँ पर जो भी आपने डाटाबेस नेम क्रिएट किया है डाटाबेस में, उसे यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैंने टूल 2021 डाटाबेस नाम से क्रिएट किया था। अब आपको यहाँ बेस URL में लोकल होस्ट के बाद आपको जिस नाम से आपने फोल्डर क्रिएट किया था, टूल 201 नाम से आपने फोल्डर क्रिएट किया था, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा टूल 2021। इस फोल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पे SEO टूल 2021, तो अब आपको यहाँ पे लिखना है SEO टूल 2021/। अब आपका जो बेस URL एडमिन का बेस URL, अब आपको इसे चेंज करना है। आपको यहाँ पे भी सेम ऊपर जो आपने लिखा है आपको इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है, टूल 2021 से लेकर टूल SEO टूल 2021, और आपको इसे यहाँ पे से रिमूव कर देना है SEO टूल 2021 को और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है।
अब आप यहाँ देख रहे हो जो आपका एडमिन टू है, ये जो आपके यहाँ पे SCO टूल 2021 फोल्डर, इसके अंदर आपके यहाँ पे फोल्डर है एडमिन टू। तो आपने यहाँ पे एडमिन टू लिखा, अब आप इस कोड को सेव कर देंगे। अब आपको यहाँ पे एडमिन टू पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपके पास एक config.php फाइल होगी, आपको इसे ओपन करना है। ओपन विद एनी एडिटर, आप किसी भी एडिटर के साथ इसे ओपन करते हो। जैसे आपने पहले वाली config.php फाइल में सेटिंग की थी, यहाँ पे डाटाबेस का नाम लिखना है। जैसे आप डाटाबेस नेम आपका यहाँ पे 2021 है, उसके बाद आपको यहाँ पे बेस URL डालना है। जैसे आपने यहाँ पे पीछे डाला अपने पीछे वाल पहले वाली config.php फाइल में डाला था, तो आपको यहाँ पे भी 2021 जो आपका 2021 आपने फोल्डर क्रिएट किया है, इस फोल्डर के अंदर आपका फोल्डर है SCO टूल 2021, तो आपको यहाँ पे लिखना है SCO टूल 2021 स्लैश, आपको यहाँ पे लास्ट में स्लैश लगाना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको इसी तरह से आपका जो आपका एडमिन पैनल है, एडमिन का बेस URL है, आपको इसे भी यहाँ से एडिट कर देना है। आपको यहाँ पे लिखना है, अब आपको इस कोड को सेव कर देना है। अब आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट, और आपने जो भी आपने फोल्डर क्रिएट किया था, तो जैसे मैंने फोल्डर क्रिएट किया था 2021, जैसे कि आप देख रहे हो इसी फोल्डर के अंदर मैंने स्क्रिप्ट डाली है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2021 और स्लैश देने के बाद एंटर कर दूँगा, तो हमारी जो है वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि हमारी ये SEO टूल वेबसाइट परफेक्टली ओपन हो रही है। इस तरह से आप इजीली अपनी SEO टूल स्क्रिप्ट का की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो अब मैं अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो यहाँ पर जितने भी SEO टूल मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ये किस तरह से वर्क करेगा। आप एलेक्सा, सबसे पहला टूल है हमारा एलेक्सा रैंक चेक का टूल। जैसे कि मेरा हमारा ये एलेक्सा रैंक चेक का टूल है, यहाँ पर मैं किसी भी वेबसाइट का URL एंटर करता हूँ और उसके बाद फाइंड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपको आपके पास उस URL की एलेक्सा रैंक की डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास उस URL की ग्लोबल रैंक, पॉपुलरिटी रेट, ओरिजिनल रैंक सारी डिटेल डिस्प्ले हो रही है। हमारा जो अगला टूल है CSS मिनिफाई टूल है, यहाँ पर हम अपने CSS कोड को डालकर उसे मिनिफाई कर सकते हैं, मीन्स उस CSS कोड को कंप्रेस कर सकते हैं, उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी CSS का कोड डालता हूँ, आप यहाँ पर कोड को पेस्ट कर सकते हो। और जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पर हमारा जो कोड है ये यहाँ पे कंप्रेस हो चुका है, ये यहाँ पे मिनिफाई हो चुका है। तो इस तरह से आप इस टूल का यूज़ करके इसे कोड को कंप्रेस कर सकते हैं और यहाँ कॉपी के बटन पर क्लिक करके इसे कॉपी भी कर सकते हैं। हमारा जो अगला टूल है वो हमारा अगला टूल है डोमेन टू IP। यहाँ पर हम किसी भी डोमेन नेम कोई भी URL डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास उस डोमेन नेम का IP एड्रेस
की डिटेल आ जाएगी। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे google.com डाला तो मेरे पास उसकी आईपी एड्रेस की डिटेल आ गई। हमारा जो अगला टूल है, ईमेल सेंडर टूल। हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल, किसी भी की भी ईमेल आईडी डालकर उसे मैसेज या अटैचमेंट प्रियो को सेंड कर सकते हैं। हमारा अगला टूल है मेटा टैग जनरेटर टूल। इस टूल की मदद से हम कोई भी हमारी वेबसाइट पर आकर अपनी वेबसाइट के लिए मेटा टैग जनरेट कर सकता है। हमारा अगला टूल है मेटा टैग एनालाइजर टूल। यहाँ पर हम किसी भी वेबसाइट का URL डालकर सर्च के बटन, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस वेबसाइट में जो भी टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, जो भी टैग यूज हुए हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर www.codexword.com वेबसाइट का URL डाला तो आप देख सकते हो कि कोडेक्स वर्ड वेबसाइट में जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड यूज़ हुए उसके सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। ये भी एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। हमारा जो यहाँ पर अगला टूल है वो है गूगल इंडेक्स पेज चेकर टूल। यहाँ पर आप कोई भी URL डालोगे या कोई भी लिंक डालोगे, उसके बाद एनालाइज के बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि जो आपका URL है या लिंक है वो गूगल सर्च इंजन में सबमिट है या गूगल सर्च इंजन में सबमिट नहीं है। हमारा जो अगला टूल है वो है इमेज कंप्रेस। इस टूल का यूज़ करके कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आकर अपनी इमेज के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकता है, उसकी हाइट या विड्थ को चेंज कर सकता है। ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है। जैसे मैं यहाँ पर किसी एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी हाइट और विड्थ देखता हूँ कुछ, उसके बाद मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास वो इमेज कंप्रेस हो जाएगी। आप देख सकते हो कि इमेज कंप्रेस होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। मैं इसे राइट क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। इस टूल की मदद से कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आकर अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज़ या कंप्रेस कर सकता है। हमारा जो अगला टूल है वो है वर्ड काउंटर टूल। यहाँ पर कोई भी यूज़र आकर कोई भी वर्ड, कोई भी पैराग्राफ डालकर काउंट के बटन पर क्लिक करेगा तो उसके पास टोटल वर्ड आ जाएगी कि उसमें टोटल कितने वर्ड है। और इस टूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल, PDF फाइल या डॉक फाइल को अपलोड करके भी उसके टोटल वर्ड या करेक्टर को काउंट कर सकते हैं। हमारा जो अगला टूल है वो हमारा वूज चेकर टूल। यहाँ पर हम कोई भी URL डालेंगे उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस URL की सारी रजिस्टर डेट, डोमेन नेम, सर्वर नेम, यहाँ पर सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है अगर आप किसी भी डोमेन की डिटेल जानना चाहो। उसके बाद हमारा जो अगला टूल है वो MD5 कन्वर्टर टूल। यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड डालकर उसे MD5 में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट डॉक्स या PDF फाइल को अपलोड करके भी उसे MD5 में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारा जो अगला टूल है वो है जॉब कैलकुलेटर टूल, जॉब एक्सपीरियंस कैलकुलेटर टूल। इस टूल की मदद से आप अपनी जॉब के एक्सपीरियंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा टूल है अगर आप किसी भी तरह के जॉब एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करना चाहते हो। सबसे ऊपर आपको जब से आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट डालनी है, सबसे नीचे आपको जब आप
आपने जॉब को रिज़ाइन किया था वो डिटेल डालनी है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास यहाँ पर आपका टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा। हमारा जो अगला टूल है आईपी चेकर, अगर आप यहाँ पर फाइंड लोकेशन के बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी आईपी डिटेल, आपकी लोकेशन डिटेल, सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर किसी दूसरे यूज़र का आईपी एड्रेस डालकर फाइंड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास उसकी लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कंट्री, स्टेट, रीजन, सिटी, सारी डिटेल आपके पास डिस्प्ले होगी। इस टूल का यूज़ करके आप किसी भी यूज़र की आईपी लोकेशन को पता कर सकते हैं। हमारा जो अगला टूल है डेली मोशन थंबनेल डाउनलोडर, इस टूल का यूज़ करके आप डेली मोशन वीडियो के थंबनेल को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अगला टूल है वीमियो थंबनेल डाउनलोडर टूल है। इस टूल की मदद से भी आप थंबनेल डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो अगला टूल है वो SHA1 कन्वर्टर टूल, इस टूल की मदद से आप किसी भी कीवर्ड को SHA1 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप PDF डॉक्स फाइल को अपलोड करके भी उसे SHA1 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा अगला टूल है रैंडम पासवर्ड जनरेटर टूल, इस पासवर्ड का यूज़ करके आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपल जनरेट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे रैंडम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो गए। यहाँ पर आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर 3 लिखोगे तो आपके यहाँ पर 3 वर्ड वाला पासवर्ड जनरेट होगा। अगर आप यहाँ पर 8 लिखोगे तो आपके पास 8 वर्ड वाला पासवर्ड जनरेट होगा, 8 करेक्टर वाला पासवर्ड जनरेट होगा। और आप कॉपी के बटन पर क्लिक करके इस रैंडम पासवर्ड को कॉपी भी कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है अगर आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद हमारा अगला टूल है विकिपीडिया, ये काफ़ी अच्छा टूल है अगर आप अपना एक छोटा सा सर्च इंजन क्रिएट करना चाहते हो। तो जैसे आप यहाँ पर कुछ भी कीवर्ड टाइप करोगे और उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ लव और सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद मेरे पास आपके पास जो भी मैंने कीवर्ड लिखा उस कीवर्ड से रिलेटेड एक पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एजुकेशन लिखता हूँ उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग और एजुकेशन से रिलेटेड पैराग्राफ होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा यूज़फुल टूल है। इस टूल की मदद से कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आकर किसी भी कीवर्ड को डालकर उस कीवर्ड से रिलेटेड पैराग्राफ सर्च कर सकता है। हमारा जो अगला टूल है वो है अनजिप कन्वर्टर टूल, इस टूल की मदद से कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आकर किसी भी जिप फाइल को अपलोड करके उसे अनजिप कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक जिप फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट जिप के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे मेरे पास वो फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब मैं जैसे ही इस फाइल पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मैं इसे ओके करके इसे इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो अनजिप कन्वर्टर टूल है ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। हमारा जो अगला टूल है वो है पिन कोड फाइंडर, पिन कोड लोकेशन फाइंडर टूल, इस टूल की मदद से कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आकर कोई यहाँ पर कोई भी पिन कोड डालकर उस पिन कोड के जितने भी पोस्ट ऑफिस है और उस पिन कोड के जितनी भी सिटी है, जितनी भी उसकी
पोस्ट ऑफिस है, सारी डिटेल चेक कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा पिन कोड डालता हूँ और उसके बाद फाइंड के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आ रहा है टोटल नंबर ऑफ इसकी जितनी भी डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, नंबर ऑफ पिन कोड फाउंड इन 9, इसकी सारी डिटेल हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे शिमला डालता हूँ और फाइंड के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो शिमला में जितने भी पोस्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस है, सब डिवीज़न है, रीजन है, उसकी सारी डिटेल हमारे पास शो हो रही है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, यहाँ इसकी मदद से कोई भी यूज़र पिन कोड की डिटेल फाइंड कर सकता है। हमारा जो अगला टूल है मिकर कोड एंड स्विफ्ट डिटेल फाइंड टूल है, यहाँ पर अगर कोई भी यूज़र आकर कोई भी IFSC कोड डालता है तो उसकी IFSC कोड की सारी डिटेल फाइंड कर सकता है। हमारा जो अगला टूल है यह है कमेंट मेकर टूल। इस टूल की मदद से कोई भी यूज़र यहाँ पर वीडियो का URL डालकर रेंडम बटन पे जब क्लिक करेगा तो उसके पास उस वीडियो में जितने भी कमेंट किए होंगे उसमें से रेंडम कमेंट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। हमारा जो अगला टूल है ये है, इस टूल की मदद से कोई भी यूज़र अपने जावास्क्रिप्ट कोड को इनक्रिप्ट कर सकता है। जो कीवर्ड डेंसिटी टूल है, इस यहाँ पर आकर कोई भी यूज़र कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट करेगा, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, उसके बाद आप चेक कीवर्ड डेंसिटी के बटन पर क्लिक करोगे तो आप उस पैराग्राफ में जितने भी कीवर्ड है आपके पास उसकी कीवर्ड की टोटल काउंट और कीवर्ड की डेंसिटी सारी डिटेल आपके पास डिस्प्ले होगी। इस टूल की मदद से आप इजीली किसी भी कीवर्ड की डेंसिटी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास एंट्री URL का ऑप्शन भी, आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का URL डालकर इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास उस वेबसाइट में जितने भी कीवर्ड यूज़ हुए हैं, जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं, उन वर्ड की कीवर्ड डेंसिटी की डिटेल आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। हमारा जो अगला टूल है ये HTTP हेडर चेकर टूल। इस टूल की मदद से आप किसी भी वेबसाइट के हेडर चेक कर सकते हैं। जो हमारा अगला टूल है सोर्स कोड व्यूअर, यहाँ पर कोई भी यूज़र आकर किसी भी वेबसाइट का URL डालकर उस वेबसाइट के सोर्स कोड को व्यू कर सकता है। STA जनरेटर टूल, इस टूल की मदद से कोई भी यूज़र अपनी वेबसाइट क्या रिडायरेक्ट HTTP रिडायरेक्ट पाथ यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले वेबसाइट का मेरा एड्रेस था www.htvwebvis.in, अब जैसे मैं इस www.webvis.in पे रिडायरेक्ट करूँगा तो मैंने यहाँ पे मेरा कोड जनरेट हो गया। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करके जो मेरी वेब होस्टिंग में .htaccess फाइल होगी वहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। इतना करने के बाद मेरी वेबसाइट का रिडायरेक्ट URL चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये सारे टूल काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। आप भी इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करके इजीली इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ये जो वेबसाइट है ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, ये डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल भी परफेक्टली वर्क करेगी। और यहाँ पर आप एड्स भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर गूगल एडसेंस की एड या किसी दूसरे एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क की एड्स भी लगा सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको उसको एडमिन पैनल ओपन करके बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर लिखना है admin2/ और एंटर कर देना है। इतना करने के बाद आप इसके एडमिन पैनल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ये मेरे सिस्टम में पहले से ही यहाँ पर लॉगिन आ रहा है, मैं इसे लॉग आउट करके आपको दोबारा से बताता हूँ। जैसे आप इसे ओपन करो तो आपके पास इस तरह से ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है admin1234@gmail.com। उसके बाद आपको पासवर्ड में 1234 डालना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप इस साइट पर लॉगिन हो जाओगे, डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर जो आपके पास पेजेस है यहाँ पर आप पेजेस पे क्लिक करके आप ऐड न्यू पेज ऐड कर सकते हो। जो आपके पास अगला मेन्यू का ऑप्शन है यहाँ से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जो अगला एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो। जो आपका अगला ऑप्शन है सेटिंग, यहाँ पर आप इसकी फेविकॉन चेंज कर सकते हो।
ईमेल सेटिंग कर सकते हो, एसईओ सेटिंग कर सकते हो, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसईओ टूल्स, यहाँ पे कुछ मेटा कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी मेटा टैग, मेटा कीवर्ड ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी एसईओ टूल हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी एसईओ टूल के नाम लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं आपको डेमो के लिए बता देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ एसईओ टूल वेबसाइट। उसके बाद जब आप अपडेट के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका ये अपडेट हो जाएगा और आप यहाँ से अपने पासवर्ड को अपडेट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे साइट को ओपन करके बताता हूँ, तो आप देख रहे हो कि परफेक्टली ओपन हो रही है। और यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट को भी लगा सकते हो। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेटा टाइटल चेंज किया था, एसईओ टूल सीखा, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ पर फेविकोन भी चेंज कर सकते हो और आप इजीली इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। स्क्रिप्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड करके इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो।